शुरू से लेके ये अब तक हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रही है और इस तरह मजलूम बनकर यहाँ पर फेक रोना दिखा रही है। यकीन मानी चेहरे से लग रहा है कि ये जबरदस्ती रोने की कोशिश कर रही है और यहाँ पे 16 साल की लड़की बनने की कोशिश कर रही है। 16 साल की लड़की अगर इस तरह भागती है ना तो समझ में आता है तो 45 साल की बुढ़िया है। ऊपर से इनलीगल तरीके से घुस कर बैठ गई, ऊपर से 4 बच्चों की अम्मा। अब तू कहती है कि तुझ पर आवाज़ कोई नहीं उठाए, इंसाफ कोई नहीं मांगे, जो कि तूने सबसे बड़ी गद्दारी तो अपने मुल्क से की, दूसरी बात तूने अपने शौहर से की, तीसरी बात अपने इस्लाम से किया तूने, और तू कहती तुझ पे कोई उंगली ना उठाए, और दूसरे हिंदू लड़कियों के साथ ऐसा क्यों नहीं किया जाता, मुस्लिम लड़कों को क्यों नहीं काटा जाता। यहाँ पे भी तो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलने बैठ गई। देख आदत से मजबूर है ये भगोड़ी। है हम पति पत्नी, लवर, हम ऐसे ही हम दोनों साथ बने रहेंगे हमेशा, तुम्हें जो करना है करते रहो। पहले तो ये बता लप्पू माँ बेटा, इस 45 साल की बुढ़िया के साथ कौन क्या करना चाहेगा? कोई कुछ नहीं करना चाहता भाई, रघुपुरा के जो ठरकी लोग हैं ना वो लोग ही चाहते हैं, और कुछ जो बड़े बड़े लोग हैं ना वो लोग इसके साथ कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए तू उनको प्रोवाइड कर, उसके लिए सहूलत पैदा कर उन लोगों के लिए, ठीक है। और ये पति पत्नी का नारा नहीं लगाया करो तुम दोनों, पता है तुम दोनों के ये अल्फाज कहने से तुम लोगों का नाजायज़ रिश्ता जायज़ नहीं हो जाएगा, तुम लोग वही रहोगे लिविंग रिलेशनशिप में हमेशा, और सब यही कहेंगे और कहते आएंगे, और यही है तुम लोगों की हकीकत। पति की क्या कीमत है ये मुझे यहाँ पता पड़ी है, और पत्नी कितनी अनमोल है ये मुझे यहाँ पता पड़ी है। अच्छा तो भगोड़ी तुझे इतने सालों में पति की कीमत क्या होती है ये पता ही नहीं था, 13 साल की उम्र से तू भाग रही है, 13 साल की उम्र से मतलब इतने ज़्यादा तूने रिश्ते बनाए, लेकिन तुझे पति की कीमत क्या होती है ये आज पता चला इनलीगल तरीके से भारत में घुस कर बैठने से पता चला, और इस लप्पू के साथ रिश्ता बनाने के बाद पता चला कि पति की कीमत क्या होती है और एक पत्नी की अहमियत क्या होती है, मतलब कुछ भी है? समझ नहीं आया, ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा। अभी तू कुछ भी बैठ के यहाँ पे सोशल मीडिया पे बकवास करेगी तो तेरी सारी हर बात पर हम क्या यकीन कहते आएंगे? तू है क्या चीज, क्या बताने की कोशिश करिए, मतलब पूरी दुनिया में, चल छोड़ इंडिया की बात छोड़ देते हैं, पाकिस्तान में तू तो पाकिस्तान का ही नाम लेती है और टारगेट पाकिस्तान को ही करती है, तो पाकिस्तान में किसी भी महिला को पति की क्या कीमत होती है नहीं पता है, और पति को पत्नी की अहमियत नहीं पता है ये तो बता रही है वहाँ बैठकर। तुझे भारत में जाकर पता चला क्योंकि तुझे वहाँ बहुत प्रोटोकॉल मिला, इसलिए तुझे अहमियत का पता चला कि पति की कीमत क्या होती है और फिर पत्नी की अहमियत क्या होती है। पता है तुझे, तुझे तो एक बात पता ही नहीं, तुझे पत्नी होने के नाते इस रिश्ते के लिए अहमियत नहीं दिया जा रहा कि तू एक पत्नी है, तुझे अहमियत इसलिए दी जा रही है कि तू एक पाकिस्तानी है, तुझे अहमियत इसलिए दी जा रही है कि तू एक मुस्लिम धर्म से आगे है, सनातन धर्म है, तुझे अहमियत इसलिए दी जा रही है कि तू सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, तुझे अहमियत इसलिए दी जा रही है कि मीना फैमिली को तू पैसे देती है, तुझे अहमियत इसलिए दी जा रही है कि लप्पू के अब्बा को तू बोतलें देती है शराब की, लप्पू के अब्बा को पैसे देती है, लप्पू के अब्बा की सेहत इससे पहले तुम लोग चेक करो जाकर किस तरह का सूखा छुआरा था, और अभी देखो हराम का खा खा कर मोटा सांड होता चला जा रहा है, और तुझे अहमियत इसलिए दी जा रही है कि तेरे पास 3 अदद बेटियां हैं, कल को वो बेटियां भी जवान होंगी, वो भी इसी तरह ठुमके लगा लगा कर मीना फैमिली को पैसे कमा कर देगी, इसलिए तुझे अहमियत दी जा रही है, तुझे इसलिए अहमियत नहीं दी जा रही है कि तू एक पत्नी है। बड़ी खुशफहमी औरत है, बड़ी खुशफहमी औरत है भाई, इस खुशफहमी में तू रह, हमें हकीकत पता है, हम इसलिए तो आवाज़ उठाते हैं कि ये बच्चे मासूम हैं, इन बच्चों की भी लाइफ तूने बर्बाद कर दी अपनी अय्याशियों के चक्कर में, और तू कहती है पति पति पति, तो पति के चक्कर में थोड़ी गई है, पति तो तेरे यहाँ पे बहुत सारे थे, मतलब कि कितने सारे यार तूने पाकिस्तान में भी बनाए हुए थे, तो गई आज़ादी के लिए, आवारगी के लिए, ठुमके लगाने, छोटे छोटे कपड़े पहनने, हीरोइन बनने गई थी ना, लेकिन नहीं नहीं हकीकत तो ये भी नहीं है, हकीकत तो आप लोगों को पता ही नहीं है, अगर हकीकत हम यहाँ लाकर रख देंगे ना तो आप लोगों के होश उड़ जाएंगे, और ऐसे होश उड़ेंगे कि वापस होश को लाना मुश्किल हो जाएगा। चले इस बात को रखते हैं साइड में, बात कर लेंगे वही जो आज तक हम करते आए हैं, क्योंकि यही सुनकर आप लोग खुश हो जाते हैं, हकीकत तो सुनना पसंद नहीं करते हैं, फिर बुरा लग जाएगा ना मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को, तो मैं अपने व्यूवर्स को निराश नहीं करना चाहती, तो चले लोग को फिर आगे बढ़ाते हैं। किसी ने इस भगोड़ी के लाइव में इसको कमेंट करके पूछा कि जॉनी सेन कौन है, तो पता है इसने क्या जवाब दिया? चलिए पहले आप लोग ये वीडियो सुनिए, फिर उसके बाद आप लोग हंसिएगा, फिर मैं इसके बारे में बात करूंगी आगे। जॉनी सेन कौन है? जॉनी सेन हमारा सब्सक्राइबर है, फॉलोअर है, फ्रेंड है, फैन है, अपना है, समझो। अगर
अरे भाई ठुमके लगाने वाली भगोड़ी जॉनी सेंस तेरा सब्सक्राइबर नहीं है, ये एक यूट्यूबर है। ये इसको सब्सक्राइबर की थोड़ी जरूरत है, इसके पीछे लोग बहुत मरते हैं, इसको सब्सक्राइब करते हैं। ये एक इन्फ्लुएंसर है पागल, ये तेरे सब्सक्राइबर कहाँ से हो गए, कुछ आता बताया नहीं, बस बकबक करती जाती है। इसलिए कहते हैं सोच समझ कर बोला कर, ऐसा ना हो कि इस तरह ट्रोल की जाए, जिस राज मैं बैठ कर कर रही हूँ। हंस लें हंस लें, आप लोग भी हंस लें, इतनी ज़्यादा ज्ञानी ये भगोड़ी है, कमाल करती है। बातें सुनिए आप, इसकी सब्सक्राइबर है, प्यार करने वाला है जॉनी सिंस, मतलब कुछ भी। अरे भाई मानते हैं हम तो वर्ल्ड फेमस है, लेकिन इतनी फेमस नहीं है कि तू ये बात करे कि जॉनी सिंस फॉलोअर्स है और तुझसे प्यार करने वाला है, मतलब कुछ भी यार। इतना नहीं उड़ा कर हवे में भगोड़ी, देख तुझे ना ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, और तू नहीं बोला कर, तू बस ठुमके लगाया कर, ठीक है ना। और ये लाइव में बैठ कर ना जो कमेंट नहीं भी आते ना वो कमेंट पढ़ा कर, और बस हिंदू मुस्लिम किया कर, पाकिस्तान इंडिया ही किया कर, ये सब बातें नहीं किया कर। खामा में फिर हमारा हंसा ना नहीं रुकता है, देख अभी कितनी हंसी आ रही है, मेरी हंसी नहीं रुक रही, और मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ। भैया सामान बस बेस्ट, कौन कौन घर में दबाएगी इसे, अपने परिवार में खाएंगे। हैप्पी दीपावली। हैप्पी दीपावली सेम टू यू, दोनों ने मिठाई खा ली। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है, ये लप्पू तो झूठन खा ही रहा है, झूठा खा ही रहा है, लेकिन आप लोगों के भगवान के साथ भी ये लप्पू ने और इस भगोड़ी ने गलत कर दिया। ये भगोड़ी बड़ा कहती है मैं सनातन, मैं सनातनी, मैं सनातनी, लेकिन क्या आप लोगों के भगवान के साथ इन दोनों ने गलत नहीं किया, जैसे कि लप्पू झूठा खा ही रहा है, लेकिन आप लोग के भगवान को भी ये दोनों झूठा खिलाएंगे। सुना है मैंने कि आप लोगों मतलब भगवान को झूठन नहीं खिलाते हैं जब तक ये चीज़ें जो दीपावली के लिए जो चीज़ें आती हैं ये पूजा नहीं की जाती, उन सबको रखकर पूजा नहीं होता, पहले आप लोग भोग लगाते हो अपने भगवान को, फिर कहीं जाकर आप लोग खाते हो। तो ये तो पूजा से पहले ही दोनों ने खा लिया, अब उसके बाद ये भगवान को भोग लगाएंगे, तो मतलब तो ये झूठा हो गया ना। तो बात यहाँ पे आती है कि आपके भगवान के साथ भी ये लप्पू और ये भगोड़ी ने कर दिया गलत और खिला दिया झूठन आपके भगवान को, जैसे कि लप्पू झूठन खाता आ रहा है। मुझे तो ना ही ये लप्पू सनातनी लगता है, और ये तो भगोड़ी ड्रामा कर ही रही है, जैसे कि शुरू से हम सब आप सबको बताते ही आ रहे हैं कि ये कोई सनातनी नहीं है, ये चूल्हा उड़कर बैठी है, ये एक्टिंग कर रही है। अगर इतने ही इसको सनातन धर्म से प्यार और मोहब्बत है, जिस तरह की ये पूजा वगैरह दिखाती है व्लॉग्स में, तो ये सब चीज़ों का एहतराम क्या होता है, क्या इसे पता नहीं, या फिर लप्पू को पता नहीं है, फिर लप्पू ने या इस भगोड़ी को बताया नहीं है, मतलब कि मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों को ये यानी मीना फैमिली फॉलो करती है या नहीं, मुझे नहीं लगता। इस लप्पू ने भी गद्दारी की है अपने धर्म के साथ, अपने मुल्क के साथ, तो ये सब तो ड्रामा चल ही रहा है। सब चीज़ें आप लोगों के सामने हम पॉइंट्स लाकर रखते हैं, सब चीज़ें बताते हैं, तो ये भी तो एक पॉइंट्स का हिस्सा है। इसने बच्चों तक को नहीं खिलाया, सबसे पहले ये दोनों झूठा कर दिए चीज़ों को, उसके बाद कहीं जाकर इनका पूजा होगा, फिर आप लोगों की दीपावली होगी जो होती है, मुझे तो पूरी तरह सही से नहीं पता है, लेकिन जितनी बातें पता है, जितनी मुझे नॉलेज है, तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं ये बात कर रही हूँ कि क्या ये चीज़ ठीक है, जिस तरह इन लोगों ने मिठाई को झूठा किया। तो आपके यहाँ तो पूजा वगैरह होता है, फिर ही जाकर ये सारी चीज़ें बटती हैं या फिर बच्चों को या फिर खाई जाती हैं।